झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर पड़े छापों में करीब 200 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद से बीजेपी पूरे देश भर में हमलावर है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को इंडियन करप्ट पार्टी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं और उनके नेताओं के पास से काला धन मिल रहा है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस के एटीएम धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त चश्मे से कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू अभी तक मैं कह सकता हूं कि 3 बार राज्यसभा के सांसद, 3री बार है। कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया है, लोकसभा हार गए, जनता ने तो नकार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर पैसा लेकर राज्यसभा के टिकट बेचे भी जा सकते हैं, इसकी प्रमाणिक मोहर आज देखने को मिल रही है। अभी गिनती जारी है मित्रों, और 500 करोड़ रुपया आप ही सबके समाचार पत्रों के चैनलों के माध्यम देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आखिरकार एक व्यक्ति के कारोबार में और इतना पैसा, ये एक प्रकार से अभी तक की देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी है।